हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर लर्न इंग्लिश सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 4.1। द लेसन नेम इज़ वेट। अभी हम पहला क्वेश्चन है इंग्लिश वर्कशॉप का। राइट डाउन द राइम स्कीम ऑफ स्टेंजा 1, 2, 3 एंड द लास्ट टू स्टेंजाज। हाउ डज इट डिफरेंट इन द रिमेनिंग स्टेंजाज 4 to 7। पहले प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है। राइम स्कीम ऑफ द 1, 2, 3 इज AABCCB। 4 to 5 इज AABCCB एंड लास्ट 6 to 7 इज ABAB। सेकेंड क्वेश्चन इज राइट एनी 5 इलनेस ऑफ द एनिमल इन द पोयम दैट यू फाइंड मोस्ट अम्यूजिंग लाफेबल। फर्स्ट, इवन कीपर्स जोक्स डू नॉट मेक हाइनाज लाफ। सेकेंड, मंकी हैज पिंच्ड हिज टेल। थर्ड, जिराफ हैड क्वेरल एंड दैट मेड their necks stiff। The lion has caught a cold। The arctic fox is suffering from heat। Third question is A, out of all animals or birds animals given in the poem pick out 4 names that are similar in English as well as in Hindi, Marathi or your mother tongue। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे चार जानवरों का नाम बताना है जिनका अंग्रेजी नाम और हिंदी या मराठी नाम एक ही है। ऐसे जेब्रा है तो जेब्रा, ये जेब्रा मराठी में बोलेंगे और हिंदी में बोलेंगे तो जेब्रा 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 हो जाएगा। चिंपैंजी, तो अगर हिंदी में ये मराठी में है हिंदी में बोलेंगे तो चिंपैंजी, ये मराठी का ये हिंदी का। पांडा, मराठी हिंदी में एक ही जैसा है, पांडा अंग्रेजी में भी बोलते हैं मराठी हिंदी में भी पांडा बोलते हैं। जिराफ, जिराफ भी मराठी में भी जिराफ बोलते हैं और हिंदी में भी जिराफ ही बोलते हैं और अंग्रेजी में भी जिराफ होता है। बी, ट्रांसलेट द नेम्स ऑफ जू एनिमल्स गिवन द पोयम इनटू योर मदर टंग। लायन, शेर। जेब्रा, जेब्रा। हिप्पो, दरियाई घोड़ा। बाइसन, जंगली शान। फॉक्स, लोमड़ी। चिंपैंजी, चिंपांजी। बियर, बालू। कैमल, ऊंट। फोर्थ क्वेश्चन इज थिंक डीपली एंड राइट इज द पोयम रियली डिस्करेजिंग द यूथ फ्रॉम बिकमिंग वेट। एक्सप्लेन योर रिस्पॉन्स। इसका उत्तर है कि गंभीरता से विचार करो, लिखो। क्या कभी वास्तव में युवा पीढ़ी को पशु चिकित्सक बनने से हतोत्साहित करना या रोकना चाहता है? अपने उत्तर स्पष्ट करो। The poet absolutely has no intention to discourage youth from becoming a vet. On the contrary, he wants to bring to their notice that the vet's work is very important for the animals who cannot express anything about their illness. He wants to suggest that vet's profession is noble and is more important than man's doctor. He also underlines the hard work it involves. Fifth question is find out from a vet or from the website what precautions does a vet have to take when he or she is called to treat wild dangerous animals. Make point wise note of the same. Hindi में इस प्रश्न में क्या पूछा गया है? किसी पशु चिकित्सक से अपनी वेबसाइट से पता करो कि एक पशु चिकित्सक को किसी जंगली खूंखार जानवर का उपचार करने हेतु बुलाए जाने पर कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। इस संदर्भ में मुद्दों पर आधारित टिप्पणी लिखो। आंसर, प्रिकॉशंस टू बी टेकन बाय अ वेट व्हेन ही कॉल्ड टू ट्रीट वाइल्ड डेंजरस एनिमल। रिस्ट्रेन द एनिमल प्रॉपरली। गेट हेल्प फ्रॉम स्ट्रांग मैन बिफोर ट्रीटमेंट आर एग्जामिनेशन। वेयर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। सिक्योरिंग एनिमल सेफली कैन हेल्प यू टू अवॉइड स्प्रेन्स, स्ट्रेन्स, स्लिप एंड फॉल, एक्सीडेंट्स एंड अदर फिजिकल इंजरीज। टेक केयर टू अवॉइड ब्लाइंड स्पॉट्स एंड देन अप्रोच एनिमल्स स्लोली। एनिमल्स कैन बी समवॉट अनप्रिडिक्टेबल व्हेन दे आर अंडर स्ट्रेस आर इन द अनफेमिलियर सराउंडिंग। सो बी अटेंटिव एंड स्टे अवेयर ऑफ द एनिमल यू आर हैंडलिंग ऑल द टाइम। सडन मूवमेंट आर नेवर अ गुड आइडिया। टॉक टू सॉफ्टली टू इट एज यू अप्रोच द एनिमल। टेक प्रिकॉशंस ऑफ जूनोटिस, प्राणी जीवन से संबंधित डिजीजेस एंड रिंग वॉर्म्स।
हर्पिस, हर्पिस, रेबीज एट्सेट्रा हैव एन एग्जिट स्ट्रेटजी इन एन इमरजेंसी। थैंक यू फ्रेंड्स।